Hello and good morning. Welcome to Nagaland English Academy Natural English Board, Class 11, Lesson 1, Animals in Prisons, written by Jawaharlal Nehru. इसको हमने शुरुआत किया था और लेसन ने जो है पिछले वीडियो में जो है पैराग्राफ नंबर 8 तक आप लोगों को मैंने बता दिया था और उसके बाद मेरा स्टोरेज जो है वो फुल हो गया था, तो हम आगे बढ़ते हैं 8 से. यहाँ पे कहा जा रहा है जेल में जब बारिश हुआ करती थी ठंडी के मौसम में, तो उनको बहुत कठिनाई होती थी जवाहरलाल नेहरू को और बाकी सारे कैदियों को. उसके आगे वो कहते हैं कि एक दिन खास करके 24 दिसंबर 1932, इस दिन ये दिन जो है उन्हें बहुत अच्छे से याद है, क्योंकि उस दिन जो है बहुत ही ज़ोर ज़ोर से बिजली कड़क रही थी, बारिश पूरे दिन हुआ और बहुत ही ज़्यादा ठंड थी उस दिन. और सब मिलाकर अगर देखा जाए तो वो दिन जो है बहुत ही कठिनाई भरी थी, क्योंकि शरीर के लिहाज से इसलिए क्योंकि उनके पास ना तो पहनने के लिए कोई ढंग का कपड़ा था, ना सोने के लिए बेड था, ना कम्बल थे, ना चादर थे, तो बहुत सर्दी और बहुत ठंड जो है हम लोगों को लगती थी और उनके लिए वो दिन काटना जो है बहुत मुश्किल हो गया. हाँ, ये जितने भी दिन ये जेल में थे यानी गाउल में थे, सबसे कठिनाई भरा दिन वही था. कब का? 24 दिसंबर 1932 को. शाम होते होते अचानक से ही जो है सारा दुख गायब हो गया, क्योंकि वहाँ पे जो है आसपास में जो पहाड़ जो थे वो पूरे जो है बर्फ़ से जो है ढक गए थे, इसको हम लोग स्नो कहते हैं. अगले दिन क्रिसमस था, बादल बहुत ही साफ थे, क्लियर थे, आसमान बिल्कुल साफ था और बहुत ही अच्छा नज़ारा दिखाई दे रहा था, जो बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ थे. पैराग्राफ नंबर 10 पे आते हैं. जब ठंड के मौसम था और इन लोगों को जो है कुछ जो उनका प्रतिदिन का जो दिनचर्या था वो जब वो लोग नहीं करते थे उस समय ठंड के मौसम में यानी क्रिसमस के दिन चाहे उससे आसपास, तो वे लोग क्या करने लगे, जवाहरलाल नेहरू और बाकी सारे कैदी जो है वो प्रकृति को निहारने लगे. वो देखा करते थे बहुत सारे जीव जंतुओं को, जानवर को, कीड़ों को जो उनके पास आसपास आया करते थे. और हमारे जो जवाहरलाल नेहरू है इन्होंने ये नोटिस किया, मतलब इन्हें ये एहसास हुआ कि उनके जो सेल था यानी जो कमरा था उसमें बहुत सारे कीड़े इंसेक्ट्स जो है रहा करते थे, मतलब जेल के जो रूम था उसके बाहर. इन्हें ये पता चला कि वो कहते थे कि जवाहरलाल नेहरू कहते थे कि मैं अकेला हूँ यहाँ पे इतने सालों से. कितने साल से वो जेल में थे? 14.5 साल. लेकिन जब उन्होंने देखा बहुत सारे कीड़ों को जिस कमरे में वो अकेले रहा करते थे चाहे बाकी कैदियों के साथ, और इनसे कोई मिलने नहीं आया करता था, लेकिन उन्होंने ये नोटिस किया कि बाहर जो है बहुत सारे कीड़े जो है वहाँ पे उनके आसपास है, तो मतलब बहुत सारे जीवन जो है उनके आसपास जो है पनप रही है. ऑल दिस क्रीपिंग और क्रोइंग और फ्लाइंग इंसेक्ट लिव देयर लाइफ विदाउट इंटरफेयरिंग विद मी. तो जितने भी जीव जंतु थे, रेंगने वाले, उड़ने वाले और बहुत सारे, तो ये लोग उनके आसपास कैदियों के आसपास रहा करते थे और इन्हें कोई दिक्कतों का सामना नहीं करते, सब अपना अपना जीवन जी रहे थे, कहने का मतलब ये हो गया. और इन्हें ये भी लगा कि मुझे भी जो है उनको दिक्कत नहीं देना चाहिए. लेकिन कभी कभी क्या हुआ कि हम उनके बीच जवाहरलाल नेहरू और जो बेड बग्स होते हैं, बेड बग्स का मतलब खटमल, इनमें युद्ध हुआ करते थे. युद्ध का मतलब जो है बहुत ही परेशान किया करते थे, जो खटमल है जवाहरलाल नेहरू को काटा करते थे. और इसके अलावा जो है मॉस्किटोस यानी मच्छर भी इनको परेशान किया करते थे, कुछ कुछ हद तक जो है मक्खियाँ भी. वहाँ पे जैसे भौरा मैंने कहा था, वेब्स और हॉर्नेट्स, हड्डा और भौरे जो थे वो उससे उनको कोई दिक्कत नहीं हुआ करती थी, क्योंकि वहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ देम थे, मतलब 100 से भी ज़्यादा जो है लगभग 100 बोलेंगे, 100 के लगभग जो है उस कमरे में ये हाडे और मधुमक्खियाँ वहाँ पे रहा करती थी. कभी कभी उन मधुमक्खियों के बीच में चाहे हाड़ों के बीच में थोड़ा सा दिक्कत होता है, क्योंकि एक बार क्या हुआ था कि एक हाड़े ने जो है जवाहरलाल नेहरू को डंक मार दिया था और गुस्से में जो है नेहरू जी जो है वो उसको
मारने की पूरा कोशिश की है, लेकिन उस हाडे ने बहुत ही बहादुरी से जो है अपने आप को बचाया और लास्ट में उसको छोड़ना पड़ जाता है, क्योंकि वो उसका घर था, वो अपना घर बचाने के लिए कोशिश किया। जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि उस घर को वो वहाँ से हटा दें, हाँ, क्योंकि उस मधुमक्खी के जो छाता था उसमें जो है अंडे थे। इसके अलावा जो है जो नेक्स्ट फॉर ओवर ईयर आफ्टर आई लिव इन द सेल, तो एक साल के बाद जब मैं उस मतलब एक साल होने के बाद उस घटना के बाद जो है क्या बोलते हैं वो धीरे धीरे करके जो है उन्होंने जो है कभी भी उनको जो है अटैक नहीं किया। 11 नंबर पे आते हैं, हाँ, इनको एक चीज़ पसंद नहीं थी वहाँ पे, जो था वो चमगादड़ यानी बैट्स, ठीक है, बैट्स उन्हें पसंद नहीं थी क्योंकि वो बिना आवाज़ के उड़ा करते थे शाम के समय अंधेरा हो जाने के बाद, और ऐसा लगता था कान के एकदम बिल्कुल पास से वो लोग उड़ा करते थे, और उन्हें बैट्स से यानी थोड़ा सा डर लगता था क्योंकि कान के एक इंच के पास से जो है वो लोग गुजारा करते गुजर जाते थे, ठीक है, ऐसा लगता था कि कभी कभी आके उन्हें चोट पहुँचा देंगे। बैट्स को एक और नाम से जाना जाता है, फ्लाइंग फॉक्सेस, जो थोड़े बड़े होते हैं। 12 नंबर पे आ जाते हैं, हाँ, आई यूज टू वॉच द एंट्स एंड द वाइट एंट्स एंड अदर इंसेक्ट्स बाय द आवर एंड द लिजर्ड्स एज दे क्रेप्ट अबाउट। तो ये चींटियों को भी देखा करते थे, चींटियों में ये नाम दे रहे कि चींटियाँ थी, सफ़ेद रंग की चींटियाँ थी और कुछ और वो कीड़े थे, और वहाँ पे कुछ छिपकलियाँ भी थी जो चुपके से जो है शाम होते होते दीवार के पास आ जाया करते थे और अपने जो शिकार है प्रे है उसको उसका पीछा किया करते थे पूंछ हिलाते हुए, और देखने में ना एकदम मज़ा आता था वो लोगों को। हाँ, ऑर्डिनरी, हाँ, ये जो छिपकलियाँ है वो हाडों को यानी मधुमक्खियों को नहीं खाया करते थे ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि जब भी वो लोग कभी कभी जो है मधुमक्खी को खा लिया करते थे तो बहुत ही सावधानी से वो खाते थे उसको, और सिर से शुरू करते थे खाना, पूंछ से नहीं। अगर पूंछ से खाते छिपकलियाँ अगर पूंछ से खाएंगे हाडों को चाहे मधुमक्खियों को तो हो सकता है उनको डंक लग जाए, इसी के डर से जो है वो लोग सिर से शुरू करते हैं, ठीक है, वो छिपकलियाँ। 13 नंबर पे आओ, स्क्वायरल्स भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा थे पेड़ों पे, और कभी कभी वो इतना नज़दीक आ जाते थे उन लोगों के पास, खास करके लखनऊ जेल में एक बार नेहरू जी बैठे थे पढ़ते हुए और बहुत देर से वो हिले डुले नहीं थे, तो एक गिलहरी जो है वो दौड़ता हुआ आया और उनके पेड़ पे चढ़ गया, और जैसे ही इन्होंने देखा, इस गिलहरी ने देखा कि जो हमारे ये जो नेहरू, ये तो नेहरू है मतलब पेड़ नहीं है, तो उसी तेज़ी से जो है जब उसे पता चलता था कि ये पेड़ नहीं है तो वहाँ से वो जितना जल्दी हो वहाँ से वो भाग जाता था। हाँ, उसके बाद 13 नंबर पे आ जाओ, देन, हाँ, 13 नंबर हम बोल रहे थे भाग जाया करता था। एक बार क्या हुआ था कि छोटा सा गिलहरी का बच्चा जो है बेबी स्क्वायरल जो है वो पेड़ से गिर गया था, और उसकी माँ दौड़ते हुए आई, उसे गोल बॉल की तरह राउंड बना के जो है उसे पकड़ के जो है उसे कहीं सुरक्षित जगह पे वो लेके चली गई। कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे जो गिलहरी के बच्चे हैं वो खो जाया करते थे। वन ऑफ माई कंपेनियन पिक अप 3 ऑफ दिस लॉस्ट बेबी स्क्वायरल एंड लुक आफ्टर देम। एक बार क्या हुआ कि मेरा जो साथी था जो जेल में रहा करता था नेहरू के साथ, वो उसे जो है 3 गिलहरी के बच्चे मिले और उसे वो अपने पास रखा, उनका ख्याल रखने लगा। इतने छोटे थे कि उन्हें खिलाने में बहुत मुश्किल हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा तरीका निकाला कि जो पेन होता है फाउंटेन पेन, जो इसमें इंक भर के जो है लिखा करते थे, उस पेन से जो है उन्होंने इसका एक फिटिंग, उसमें एक कॉटन का वूल डाल के जो है फिटिंग बोतल की तरह बना दिया उसको पिलाने के लिए। 14 नंबर पे आ जाओ, 14 नंबर पे है पिजन्स अबैंडन्ड इन ऑल द गोल्स। मतलब जितने भी जेल में ये थे वहाँ पे सारे जेलों में लगभग जो कबूतर है सभी जेल में थे, खास करके इन जो पहाड़ वाले जो जेल थे जैसे अल्मोड़ा में वहाँ पे तो काफ़ी थे, और हज़ारों थे कबूतर, और कभी कभी क्या होता था कि जो जो ऑफिसर थे जेल के
वो लोग जो है उसे शूट करते थे यानी मारते थे और उनको ये खा लिया करते थे। मैनास भी थे, ऑफ कोर्स दे आर टू बी फाउंड एवर। मैनास हर जगह आपको मिल जाएंगे, मैनास जो है आपको हर जगह मिल जाएंगे। एक जोड़ा मैने का जो है वो सेल के ठीक दरवाजे पे, दरवाजे के ऊपर जो उन्होंने घोंसला बनाया था देहरादून में, और मैं उन्हें खिलाया करता था। और वो इतने पालतू बन गए, इतने पालतू बन गए कि जब कभी सुबह या शाम का खाना उनको ना मिले तो वो इतने इनके नज़दीक आ जाया करते थे और चिल्लाने लगते थे। ऐसा लगता था मानो कि वो अपना खाना डिमांड कर रहे हो इनसे। और इन्हें देख कर जो है उन्हें बहुत ही मज़ा आया करता था। किस चीज़ को? तो वो जो चिल्लाने का जो था कम, वो मैनों का, जब उन्हें खाना नहीं मिलता था। 15 नंबर पे आओ। नैनीताल में बहुत सारे तोते थे, इसके अलावा बहुत जो रहते थे क्रिविसिस में। क्रिविसिस का मतलब देख लो आप लोग क्या दिया है, क्रिविसिस का मतलब क्या दिया है यहाँ पे। हाँ, क्रिविसिस का मतलब एक छेद हम लोग बोल सकते हैं, बैरक्स वाल में दीवार पे जो छेद होता है वहाँ पे जो है बहुत सारे तोते रहा करते थे। और इनको देखना, इनका प्यार करने का तरीका, इनके जैसे एक दूसरे के साथ समय बिताने का जो तरीका है, उन्हें देख के बहुत ही अच्छा लगता था, मज़ा आता था, ठीक है। और कभी कभी तो ऐसा उन तोतों के बीच में जो है लड़ाई हुआ करते थे, मादा तोता, मादा नहीं, नर तोताओं के बीच में ऐसा लड़ाई होता था किसी मादा तोता को खुश करने के लिए। हु सीट क्लम नहीं, तो जो मादा तोता है वो शांति से बैठी रहती है और इंतज़ार करती है कि जो भी जीते उस लड़ाई में वो उसके साथ परमिशन दे कि आओ मेरे साथ जो है आप जो है समय बिता सकते हो, ठंड बिता सकते हो। तो इस तरह से जो है हम लोग 15 पैराग्राफ तक ख़त्म कर दिए। अभी टाइम है तो यहाँ पे आपका जो है द मानसून रेन्स वर ऑलवेज वेलकम बिकॉज डैश, यहाँ पे जो है हम लोग करेंगे इसको, लेकिन चैप्टर ख़त्म होने के बाद करेंगे। यहाँ पे दिया है व्हाट इज़ द कलर ऑफ फ्रेश मैंगो लीव्स, व्हेन डू दे बिकम ग्रीन। आप लोग को हम बताए थे कि नेहरू ये नोटिस करते हैं कि जो आम का जो पेड़ है शुरू में जब निकलता है तो रेडिश ब्राउन होता है, तो इसका आपका जो है रेडिश ब्राउन हो जाएगा, ठीक है। और ये कब ग्रीन हो जाते हैं, ग्रीन कब होता है, बाद में। व्हाट मेन नेहरू कूप्ड अप, कूप्ड अप का मतलब एक जगह बैठा रहना, बारिश के चलते वो कूप्ड अप हो गए थे, ठीक है, रेन, बिकॉज ऑफ रेन। व्हाट मेड नॉइस लाइक एन आर्टिलरी बॉम्बार्डमेंट, मतलब जब आप देखे होंगे कोई युद्ध वाला जो फिल्म होता है जहाँ पे बम गिरते हैं बड़े बड़े, जैसे कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रॉकेट, चाहे इसको याद नहीं आ रहा हमको, तो बमबारी जब होता है तो बहुत ही ज़्यादा आवाज़ आता है। तो ये जो आवाज़ है किस चीज़ का आवाज़ था उस जेल में, तो आप लोगों को याद होगा हम बताए थे कि जब बर्फ़ पड़ती थी, टीना था उनका जो ऊपर वाला जो छत था, तो वहाँ पे जो गिरता था तो बहुत ज़्यादा उसका नॉइस हुआ करता था। नेहरू को 24 दिसंबर 1932 क्यों याद है, तो अभी हमने पढ़ा था कि उस दिन जो है बहुत ही ज़ोर से बिजली गड़क रहा था, ठंड इतना ज़्यादा हो गया था कि उन्हें उनको जो है मतलब जितने भी दिन वो जेल में बिताए थे तो सबसे वो कठिनाई भरी दिन था, क्योंकि उनके पास संसाधन नहीं थे, यानी कहने का मतलब कम्बल या रजाई या जो भी हो बेड हो ये सब नहीं थे। आई रियलाइज इट वाइल आई कंप्लेन ऑफ लोननेस दैट ईयर व्हिच सीम एम्प्टी एंड डिजर्व वाज स्टीमिंग विद लाइफ व्हिच लाइफ इज़ बीइंग रेफर्ड टू हियर। तो यहाँ पे वो 5 नंबर में वो कहते हैं कि मैं शिकायत करता था अकेलेपन का, लेकिन मेरे जो यार्ड में है बहुत सारे जीव जंतु रहा करते थे। तो वो कौन से जीव जंतु थे, आप लोग को अभी हम बताए थे यहाँ पे कौन से जीव जंतु थे बताओ, उड़ने वाले, रेंगने वाले, क्रोइंग, क्रीपिंग और फ्लाइंग इंसेक्ट्स थे, इंसेक्ट्स, ठीक है। तो अब आ जाते हैं, हाँ, जो बच्चा स्क्वायरल का था उसे खिलाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया गया, तो फाउंटेन पेन का मदद लिया गया। नंबर 7 में व्हाट बिहेवियर ऑफ द पैरट डस नेहरू डिस्क्राइब हियर, तोतों के कौन से बारे में बात कर रहे हैं, कोट मेकिंग, कोटशिप और लव मेकिंग के बारे में बता रहे हैं। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। यहाँ पे जब हम लोग आते हैं पेज नंबर 19 है, क्लास सॉरी 10 है, तो देहरादून हैड वैरायटी ऑफ बर्ड्स, हाँ, देर वॉज ए रेगुलर जम्बल ऑफ सिंगिंग एंड लाइवली चैटरिंग एंड ट्विटरिंग एंड हाई अबव इट ऑल केम द क्वेल्स प्लेंटिव कॉल ड्यूरिंग द मानसून एंड जस्ट बिफोर द ब्रेन फीवर हैड विजिटेड अस। तो यहाँ पे बहुत सारे देहरादून में चिड़ियों का जो है आवाज़ सुनाई देता था, खास करके कोयल का आवाज़ आपको सुनाई देता था, कब, तो मानसून के समय। उसके बाद जो है
उससे पहले जो है ब्रेन फीवर बर्ड एक चिड़िया है जिसका नाम दिया ब्रेन फीवर बर्ड, वो आती थी, उसको देख तो नहीं पाते थे लेकिन उसको उसकी जो आवाज़ है वो सुन पाते थे हम लोग, और एक ही तरह से वो चिल्लाते रहता था, हाँ दिन हो चाहे रात हो चाहे बारिश हो चाहे कुछ भी हो, तो इसीलिए इस चिड़िया का नाम जो है ब्रेन फीवर बर्ड रखा गया। हाँ क्योंकि उस आंगन में जो है पेड़ नहीं थे तो ब्रेन फीवर बर्ड को ये देख नहीं पाए थे। हाँ लेकिन हाँ यहाँ पे जो है बहुत सारे जो है चील, बहुत सारे बाज जो है आसमान में जो है उड़ा करते थे एकदम स्मूथली, चाहे जैसे भी हम लोग कहें। 17 पे आते हैं, देर वॉज ए लार्ज कॉलोनी ऑफ मंकीज इन बरेली गोल। तो हम लोग वहाँ पे देहरादून में थे, अब आ गए बरेली गोल में यानी बरेली के जेल में। तो ये कहते हैं कि बरेली का जो जेल था वहाँ पे बहुत सारे बंदरों का जमावड़ा लगता था, मतलब बंदर रहते थे और उनका जो करतब देख के बहुत ही मज़ा आता था। एक बार उन्हें याद है कि एक बच्चा जो है बंदर का वो वहाँ पे गिर गया बैरक में और वहाँ पर जो है वो उठ नहीं पा रहा था, और वहाँ के जो वार्डर थे जो देख रेख करते थे और कुछ कैदी जो वहाँ के थे, उन्होंने क्या किया कि उस बंदर को वो लोग पकड़ लिया, उसे एक रस्सी से उसके गले में बांध दिया। जब उनके माता पिता ने देखा ऐसा, मतलब वो मानते कि ये हो सकता है कि उनके माता पिता ही है, जब उन्होंने अपने बच्चे को देखा कि दीवार के ऊपर से, तो उनको बहुत गुस्सा आया। अचानक ही क्या हुआ, एक बहुत बड़ा सा बंदर जो है कूदता है नीचे और सारे कैदियों को और उस वार्डर को जो है वहाँ से वो डराता है। और लेकिन यहाँ पे वो बोलता है कि जो बंदर था, जो बड़ा सा बंदर कूदता है नीचे बच्चे को बचाने के लिए, तो वो बहुत बहादुरी का काम किया बहुत, क्योंकि वहाँ पे जो वार्डर थे उनके हाथ में लाठीस थी, मतलब और भी लोग थे तो उन सारे लोगों के हाथ में लाठीस थी डराने के लिए उस बंदर को चाहे मारने के लिए। लेकिन लास्ट में क्या होता है, उतरता है और वो उस बच्चे को लेकर वहाँ से, क्योंकि सारे लोग जो है डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं, ठीक है, छड़ियों को छोड़कर, और ये बंदर जो है उस बच्चे को बचा लेता है। वी ऑफन हैड एनिमल्स, कभी बहुत सारे विजिटर्स यानी अतिथि आते थे इनको मिलने के लिए, तो उन्हें ये बोलता है कि बिच्छू भी आया करते थे उनके कमरे में, बहुत बार इनको मिला है बिच्छी। और जब कभी बारिश का मौसम होता था चाहे तूफान आया करता तो उस समय तो और ज़्यादा मिला करते थे, लेकिन आज तक जो है किसी भी बिच्छी ने इन्हें काटा नहीं था, क्योंकि ऐसे ऐसे जगह पे बिच्छी इनको मिलता था, जैसे कि बेड पे मिल जाता था, कभी बुक्स में मिल जाता था, कभी एक बिच्छी जो है बहुत ही मोटा तगड़ा सा ब्लैक कलर का पॉइजनस दिख रहा था, वो उसे पकड़ लिए थे और पकड़ने के बाद जो है बोतल में उन्होंने उसको रख दिया था, लेकिन पता नहीं किस तरह से वो जो बिच्छी है वहाँ से भाग गया। लेकिन उसके बाद इनको हाँ, क्योंकि जब वो बिच्छी भाग जाता है तो इनको इच्छा नहीं होती कि उस बिच्छी से दोबारा इनसे मुलाकात हो, तो इसलिए वो क्या करते हैं, वो सारे रूम को अपना जो है साफ़ करते हैं कि ये बिच्छी तो यहाँ कहीं मेरे इधर आसपास तो नहीं है। हाँ कभी कभी क्या होता है कि वहाँ पे चार सांप भी मिले थे इनके रूम में, और जब लोगों को पता चला कि जेल में सांप निकले हैं तो ये सारा पेपर का, अखबार का जो है हेडलाइंस बन जाए, सुर्खियाँ बन जाया करती थी, और इन्हें बहुत ही मज़ा आता था इन सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद, क्योंकि जेल में कुछ करने को तो है नहीं, कुछ समाचार अगर कुछ अच्छा हो इंटरेस्टिंग हो तो बहुत ही मज़ा आया करता था इनको। हाँ और सांप तो इन्हें पसंद नहीं है, वो कहते हैं कि सांप जो है मुझे पसंद है ऐसा नहीं है, लेकिन वो मुझे डराते नहीं है जैसे दूसरे लोग सांपों को देख के डर जाते हैं। हाँ मुझे एक चीज़ से डर लगता है और वो है जो है सेंटीपीड्स, मतलब कंगोजर, आपने देखा होगा सेंटीपीड्स को देख के उन्हें बहुत डर लगता था, और सेंटीपीड्स को देखते ही जो है उनका जो इंस्टिंक्टिव रिपल्शन है रिएक्शन हुआ करता है। बरेली में थे, अब आ गए अलीपुर जेल में कलकत्ता में है। एक बार वो रात के बीचों बीच उठ गए और उन्होंने लगा कि कुछ जो है उनके पैर पे जो है रेंग रहा है, जब उन्होंने टॉर्च जलाया तो वो देखे कि एक सेंटीपीड है वहाँ पे, एक कंगोजर ठीक है बेड पे, तो डर के मारे जो है
बेट से वो छलांग मार के, ऐसा छलांग मारते हैं उसके बाद क्या होता है कि लगता है कि उनका सिर जो है थोड़ा से के लिए बच जाता है दीवार से लगने के लिए। ये एक पब्लोक्स रिफ्लेक्सेस है। अब हम लोग आ गए हैं पेज नंबर 21 पे, चलो पेज 20 पे आते हैं। देहरादून में इन्होंने एक जानवर देखा, ठीक है, जानवर ही कहेंगे क्योंकि वो नया था इनके लिए, इनको पता नहीं था कि वो क्या कौन सा जानवर है। गॉल जो गेट है, जेल का जो गेट है, वहाँ पे बहुत सारे लोग बात कर रहे थे जेलर से, गॉलर से। जब उन्होंने देखा कि एक आदमी जो है बाहर एक बहुत ही विचित्र सा जानवर को पकड़ टांगे हुए लेके आ रहा था, तो उस गॉलर ने उस आदमी को बुलाया। और जब मैंने उन्हें उसने देख मैंने देखा तो उस ऐसा लगा मानो कि वो एक मगरमच्छ और एक छिपकली के तरह दिख रहा था, और 2 फीट लंबा था, जिसका नाखून बड़े बड़े थे, स्केली कवरिंग था, स्केल्स था ऐसे लाइन लाइन। और इस जानवर को जो है जिंदा, ये जानवर जिंदा था और राउंड घुमा हुआ था, ठीक है, जैसे कि रस्सी को हम लोग बांधते हैं उस तरह से। और जो उसका मालिक जो था वो पोल में उसको लटकाए हुआ था और बहुत ही खुश होकर वो उसे लिए जा रहा था। वो कह रहा था कि ये जो जानवर है इसे हम लोग बो कहते हैं। कौन सा जानवर कहते हैं? बो कहते हैं। जब गोलर ने पूछा कि तुम क्या करोगे इसका, तो मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं इसे भुज्जी बनाऊंगा, मतलब करी बनाऊंगा, सब्जी बनाऊंगा। और क्योंकि वो जंगली था, आदिवासी था। बाद में जब मैंने FW चैम्पियंस का बुक पढ़ा तो उसमें लिखा है द जंगल इन सनलाइट एंड शैडो, तब जाके मुझे पता चला कि ये जो जानवर है ये पेंगोलिन है। कौन सा जानवर है? पेंगोलिन है। 21 पे आ जाओ। प्रिजनर स्पेशली लॉन्ग टर्म कॉन्फ्लिक्ट हैव सफर मोस्ट फ्रॉम, हाँ देखो बहुत सारे लोग जो लंबे समय के लिए जेल में रहते हैं तो उन्हें दुख लगता है कि मुझसे कोई मिलने नहीं आ पा रहा है, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, करने के लिए कुछ है नहीं, 14.5 साल बहुत ज़्यादा होता है। तो उन्हें जानवर रखने के लिए परमिशन दे दिया जाता था कि उनका जो है थोड़ा सा अकेलापन हो वो दूर हो। लेकिन हाँ, ये किसको रखने के लिए दिया जाता था? जो लंबे समय के लिए जेल में हो। तो यहाँ पे क्या बात हो रहा है, तो सबसे कॉमन जो जानवर था आम, वो था गिलहरी, रखने का परमिशन था। गिलहरी रखने का लोगों को इजाज़त थी जेल में, और उसके अलावा मंगूस भी रख सकते थे लोग। डॉग्स को, डॉग्स यानी कुत्ते अलाउ नहीं था, बिल्ली, कुत्ते और बिल्लियाँ, हाँ बिल्लियाँ रख सकते थे, क्योंकि एक बिल्ली ने उस समय जो है नेहरू से दोस्ती बना लिया था, और वो जो बिल्ली था एक ऑफिसर का था, जब वो चले गए दूसरे जगह तो उस बिल्ली को वो छोड़ के चले गए थे। तो हाँ, कुछ कुत्तों से भी ये एक्सीडेंटली देहरादून में जो है दोस्ती हो जाता है इनका, क्योंकि एक जो बीच है, बीच मतलब जो मादा जो कुत्ता होता है उसको बीच बोलते हैं, एक ऑफिसर था उसका एक बीच था, वो जब वहाँ से चले जाते हैं तो वो उस कुत्ते को वहाँ पे छोड़ देते हैं। तो वो जो बच्चा था, वो कुत्ता था, जो बेघर हो जाता है, तो नेहरू क्या करते हैं उस कुत्ते को जो है, डॉग को, उस डॉग को जो है, उस डॉग को जो है हाँ, क्योंकि वो जो कुत्ता था बेघर हो जाता है तो उसे खाना वाना टाइम पे नहीं मिलता है, तो नेहरू उसको जो है अपने लॉकअप के पास रख लेते हैं, और वो उसे जो है प्रतिदिन जो है खाना खिलाने लगते हैं। कुछ समय के बाद उस बीच ने जो है मादा कुत्ते ने जो है बच्चों को जन्म दिया, 3 बच्चों को जन्म दिया, ठीक है। लेकिन बहुत सारे उनमें से कुछ बच्चों को जो है दूसरे लोग ले गए, लेकिन कुछ वहाँ पे रह गया। एक बच्चा जो है बीमार हो गया था, और बीमार होने के बाद जो है उसने बहुत ही उसे नेहरू को बहुत ही तकलीफ़ दिया, दिक्कत दिया। लेकिन नेहरू ने क्या किया, उस बच्चे का ख्याल रखा, उससे जो है रात को 2-3 बार उठने के बाद 4 बार 5 बार 10 बार जो भी हो उस बच्चे को देखने के लिए वो उठा करते थे, उसका ख्याल रखा करते थे। और कुछ समय के बाद जो है वो बच्चा जो है बच जाता है कुत्ते का, और उन्हें अच्छा लगता है, ठीक है। उन्हें ये अच्छा लगता है कि मेरे चलते जो है, मेरे ख्याल रखने के चलते जो है ये बच्चा बच जाता है। बस ख़त्म है 23, लास्ट है आपका। 22 पे आ गए हम लोग। हाँ, यहाँ पर जो है
मुझे बहुत सारे जानवर से दोस्ती हो गया जेल में, क्योंकि बाहर ये संभव नहीं था। बाहर ये इन सारी चीज़ों में व्यस्त नहीं रहते थे, वो अपना पॉलिटिक्स में चाहे लोगों से मिलने में व्यस्त रहा करते थे, लेकिन यहाँ जेल में उनको कुछ करने का था नहीं, तो इन जानवरों के साथ ये अपना समय बिताने लगे थे। और इन्हें उन्हें कुत्ते बहुत पसंद है, और उन्होंने बहुत सारे कुत्तों को रखा भी था, लेकिन मैं उनको देख रेख नहीं कर सकता था घर पर, ठीक है। और मेरा काम के चलते जो है उन कुत्तों को मैं देख नहीं पाता था। लेकिन यहाँ पे इंडियंस के बारे में दिया है कि इंडियंस यानी भारतीय लोग जो है, एक नियम है जानवरों को वो लोग घर पे पालतू बना के नहीं रखना चाहते, खास करके जो है फिलोसफी ऑफ नॉन वायलेंस टू एनिमल्स, दे आर ऑफन सिमिलर केयरलेस एंड अनकाइंड टू देम। यहाँ पे जो हिंदू लोग होते हैं वो मानते हैं अहिंसा में जानवरों के प्रति अहिंसा में, लेकिन बहुत बार ऐसा देखा गया है कि कभी कभी वो लोग जो है हिंसा कर देते हैं इन जानवरों के। जैसे कि अब गाय के बारे में, गाय जो है जिसको गाय के चलते जो है, गाय जो है वो हिंदुओं के फेवरेट जानवर है, और उन्हें जो है ये लोग रखते हैं अपने घरों में, पूजा करते हैं खास करके हिंदू। और उसमें से भी, और ये भी कारण बनता है दंगों का, गाय, ठीक है ना, लड़ाई झगड़ों का। लेकिन इस गाय को ही जो है कुछ लोग जो है, कुछ लोग हम बोलेंगे, यहाँ पे लिखा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, इट्स नॉट ट्रीटेड काइंडली, गाय को बहुत सारे लोग जो है ठीक तरह से नहीं देख पाते हैं। वर्शिप एंड काइंडनेस डू नॉट ऑलवेज गो टुगेदर, पूजा करना और दयालुता, ये दोनों एक साथ नहीं चल सकते हैं। लास्ट में आ जाते 23 पे, डिफरेंट कंट्रीज हैव अडॉप्टेड डिफरेंट सिंबल एस ऑफ द एम्बिशन और कैरेक्टर, तो अलग अलग देशों का जो है एक एक जो जीव है यानी जानवर है चाहे पक्षी है, वो उनका राष्ट्रीय चिन्ह होता है। जैसे कि यहाँ पे दिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का क्या है, चील है, ईगल है। उसी तरह से जर्मनी का भी अगर देखेंगे तो ईगल ही है। लायन कहाँ का है, तो बुलडॉग। लायन कहाँ का है, लायन और बुलडॉग, ये कहाँ का है, तो इंग्लैंड का है। फाइटिंग कॉक मुर्गा फ्रांस का है। बियर भालू कहाँ का है, ऑल रशिया का है। तो हाउ फार डू दिस पेट्रोन एनिमल्स मोल्ड नेशनल कैरेक्टर, तो इन जानवरों को देखकर क्या सीख मिलता है, मतलब क्या बताता है ये लोगों के बारे में, उस देश के लोगों के बारे में। मोस्ट ऑफ देम आर एग्रेसिव, तो ये सारे जानवर जो है एग्रेसिव होते हैं, खूंखार होते हैं। फाइटिंग एनिमल्स बीस्ट ऑफ प्रे, लड़ने वाले जानवर है, बीस्ट ऑफ प्रे है, शिकार करने वाले पक्षी है। तो ये लोग क्या करते हैं, दूसरे जानवरों को अपने पास आने नहीं देते, उनको पकड़ लेते हैं, उनको खा जाते हैं, उनको मार देते हैं। तो खतरनाक जानवर होते हैं ये। तो नॉट इज इट सरप्राइजिंग दैट द हिंदू शुड बी मैड माइल्ड एंड नॉन वायलेंट फॉर हिज पैट्रन एनिमल इज द काउ। तो यहाँ पे अगर हिंदू के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, तो ये लोग गाय को पसंद करते हैं, तो गाय ये पसंद करते हैं, कहने का मतलब गाय शांत होती है, शांत स्वभाव की होती है। तो ऐसा नहीं है कि हिंदू लोग जो है वो भी शांत स्वभाव के हैं, हो सकता है वो भी जो है एग्रेसिव हो, वो भी मतलब उनके अंदर भी जो है, अगर उनके देश पे आक्रमण हो तो वो भी शांत बैठने वाले नहीं हैं, वो भी प्रतिकार करेंगे, ठीक है। तो ये लेसन जो है हमने ख़त्म कर दिया, क्लास 11 का है प्रोस सेक्शन, फर्स्ट लेसन। इसके बाद जो है यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं, नेहरू कुड नॉट सी मोस्ट ऑफ द बर्ड्स, ही कुड ओनली हियर देम बिकॉज, तो ये सब जो है हम अगले वीडियो में आप लोगों को ख़त्म कर देंगे। वर्ड मीनिंग आप लोग बढ़िया से पढ़ लिया कीजिए, वर्ड मीनिंग वोकैबुलरी में आ जाता है आपका। उसके बाद यहाँ पे सारा वर्ड मीनिंग्स है, लॉन्ग क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, कॉम्पोजिशन आप लोग कर सकते हो। यहाँ पे जितने भी वर्ड मीनिंग्स है, ये वाला करेक्ट द स्पेलिंग, इसको आप लोग ज़रूर कीजिएगा, रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे। मैं आपके साथ आपका दोस्त टीचर सुनील कुमार ठाकुर, आज के लिए इतना ही। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों को भेजिए जल्दी से जल्दी।